सिकंदर बख्त साहब, बात दरअसल ये है कि हम हार गए लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज हुआ, और खास तौर पर आज हमारे फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बताया कि हमारे फास्ट बॉलर को भी जरा खेलो, वरना उनके फास्ट बॉलर हमारे बैट्समैनों को बड़ा डराते हैं। नहीं, आज मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, इसके वजह से अगले मैचों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। मगर थोड़ा सा मैं एक जरूर कहूँगा कि हमने आज थोड़ी सी टीम सिलेक्शन से ही मज़ेदार नहीं थी, हमें फ्यूचर का भी देखना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। और उसके अंदर मैं कहूँगा स्पिनर्स को जरूर बॉलिंग भी देनी चाहिए थी, सिर्फ चार बॉलर से बॉल कराए हमने और हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉल की, मगर जो एक स्पेल जो था हारिस का वो सबसे ज़्यादा बड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड था सारे बॉलर्स के लिए, और वहाँ से मैं समझ आया था कि मैच जीत जाएंगे हम। मैं जब घर से आ रहा था उस वक्त वो सिचुएशन थी, मगर बाद में उन्होंने थोड़ा सा हमें भी सबक दिया कि टेल एंडर्स अगर फंस कर खेलें तो मैच निकाल के ले जा सकते हैं, तो हमारे भी टेल एंडर्स को इस पर ख्याल रखना। हालांकि नसीम ने आज रन किए, मगर दूसरों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एवर 2015 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हम आपके साथ, और जब पाकिस्तान टीम 2019 में अजहर अली ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे तो वहाँ पर नसीम शाह टीम के साथ थे और उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि जी स्कूल का बच्चा होमवर्क करते हुए ऑस्ट्रेलिया आ गया। और आज जब कामरान गुलाम बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने सेकंड बॉल के ऊपर निकलकर एडम जैम्पा को चौका मारा, और उसके बाद जब वो शॉर्ट बॉल के ऊपर कैच आउट हुए तो कॉमेंटेटर्स जो थे उनका थोड़ा मैं कहूँगा कि तमस्कुर उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि बॉय ये मुल्तान नहीं है, ये मेलबर्न है, यहाँ पर गेंद ऊपर आएगा। तो सही कह रहे थे ना। बहरहाल बात इतनी है कि पाकिस्तान के अगर आप पूरे ओवरऑल देखेंगे तो ये कमेंटेटर्स भी शायद गालिबन वसीम भाई कह रहे थे कि इट्स नॉट इजी, यू नो, कि पाकिस्तानी बैटमैन के लिए एशिया से जाके वापस वहां पे जाके खेलना। बाकी आप जिस भी कमेंटेटर को सुनते हैं उसने यही बोला है कि बड़ा फ्लैट पिच था, ठीक है। और पहला ही ओवर जब मिचेल स्टार्क ने किया, उनका एक भी बॉल अंदर नहीं आया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं और फुल बॉलिंग कर रहे हैं और अंदर ना, इट शोज के एंगल के साथ बाहर निकल रहा है, कोई स्विंग मौजूद नहीं था। उस पिच के ऊपर 210 रन बनाना, 202 रन बनाना, ये थोड़ी सी ज्यादा है अपने बॉलर्स के साथ। अगर वहीं आपने अच्छे इंटेंट के साथ, जिस तरह आपने 161 डॉट बॉल्स खेले, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस पिच पे अगर आप 161 डॉट बॉल खेल रहे हैं ना तो फिर कोई फायदा नहीं। 38 डॉट बॉल रिजवान ने खेले एज ए कैप्टन, और जो है ना 24 एक डॉट बॉल जो है ना अब्दुल्ला शफीक ने अपनी छोटी सी इनिंग में खेले हैं। तो आपको यू नो मैच करना पड़ेगा फायर फायर के साथ, अदरवाइज ये एक वाहिद मैच होगा जिसने ऑस्ट्रेलिया ने एक मैं कहूंगा कि बहुत गंदी बैटिंग की। जिस तरह उनके दोनों नए ओपनर्स खेल रहे हैं, वो नए ओपनर्स तो बिल्कुल हर बॉल पे चलाई जा रहे थे, गिफ्ट करके चले गए और पाकिस्तान को मैच के अंदर वापस लाए। फिर हारिस रऊफ ने जो दो बॉल किए वो, उसके बाद पाकिस्तान का ये मैच हारना नहीं बनता था। जहां ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट हो गए थे ना, फिर इसका पाकिस्तान को मैच हारना नहीं बनता था। हमने शॉर्ट बॉल्स किए, हमने सिली ले ली, हमने मैसेज दे दिया बॉलर्स को कि हमने विकेटों में नहीं मारना, हमने डराना है और यहाँ बॉडी पे आउट करना है। हालांकि जब टेल आ जाती है, आप एक आधा बाउंसर सरप्राइजिंग करते हैं, उसके बाद सारी बॉलिंग आप डंडों के अंदर करते हैं और स्लिप खड़ी होती है, हमने ये बिल्कुल नहीं देखी। और अगर पाकिस्तान ने ये वाला मैच अपने हाथ उन्होंने प्लेट में रख के हमें दिया और हमने वही प्लेट सजा के उनको दोबारा दे दी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये पूरी सीरीज के अंदर इस तरह की पोजीशन में आना मिस करेगा। ठीक हो गया राजीव लतीफ साहब, आज आपको विकेटों के पीछे बड़ा मिस किया मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब जोर लगाया हमारे बॉलर्स ने तो विकेट कीपर रिजवान के सर के ऊपर से बॉल निकल गया। एक बार ऐसा हुआ था, वो जो आपका मखसूस स्टाइल था कि आप एक हाथ से जंप करते थे, कई यादगार कैचेस भी आपने लिए, तो आप कोई मशवरा देना चाहेंगे रिजवान को कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ा पीछे खड़े हों, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा कद का फ़र्क है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बाउंस ज़्यादा मिलता है, शोएब बहुत तंग करता था, चाहे वो फर्स्ट क्लास मैच हो। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में आपने एक हाथ से कैच पकड़ा था शोएब की बॉल पे? वो कभी कभार आ जाता है, लेकिन शोएब ऐसी बॉल करता था कि ऊपर से जाती थी। इसमें ऐसी बात है, आपको कैचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाइस चले जाए। एक जो स्लिप के बीच में से बॉल गई थी वो उस पर वाइडर हमारी स्लिप थी। ऑस्ट्रेलिया में मजा ही यही है कि फर्स्ट स्लिप में बॉल जानी नहीं चाहिए, आपकी पोजिशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि फिर यही फर्क होना चाहिए कि एक क्लब के विकेट कीपर में और एक हाई क्लास विकेट कीपर में, वो होना चाहिए। काफी अर्सा हो गया, कहीं दुनिया में बहुत कम नजर आ रहे हैं कैचेस। खैर एनीवे, मैच के ऊपर आते हैं, और अच्छा मैच इस वजह से कह सकते हैं कि फाइट बहुत जबरदस्त की दोनों टीम में। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए इसमें, अगर नोट कीजिएगा,
बीच में ये बॉलिंग करते नहीं है, बहुत कम करते हैं कमिंग्स और मिचेल स्टार्क, इन्होंने बीच में आके बॉलिंग की है जहाँ पे पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया, इन्होंने आखिर में दे दिए और स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, मैक्सवेल हो, शॉर्ट हो या जैम्पा हो, 82 रन हमारे स्पिनर्स में बने इस पिच के ऊपर। तो वो एशियन स्टाइल से खेले ये मैच और दो मेन प्लेयर थे आखिर में जो आए, एक मिचेल स्टार्क हो गए और एक कमिंग, उन्होंने अपने नंबर नीचे किया, आरडी को चांस दे रहे हैं, एबर्ट को चांस दे रहे कि आप जाएं फ्यूचर के लिए, आपको बिल्ड कर रहे हैं, यही होता है डेवलपमेंट का काम। तो वो जीते भी और अपने प्लेयर को डेवलप भी कर रहे हैं, जब तक प्लेयर को आग में मत नहीं डालेंगे आप, मैं कर को चांस दे रहे हैं वो नहीं कर रहा वो, लेकिन क्या वो एक दिन एक प्लेयर बना के रहेंगे उसको, ये चीज नजर आई। बाकी तो बातें होती रहेंगी कि हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, शॉर्ट ऑफ लेंथ हमने ज्यादा की, वहां पे जाके शॉर्ट ऑफ लेंथ इतनी होती है, जाते ही साथ आपको कामयाबी नहीं मिलती, आप पीछे बॉल अगले मैच में शायद आपकी लेंथ बेहतर हो जाए इसमें, तो एक चीज नजर आई कि शॉर्ट ऑफ लेंथ रन बहुत खाए हम, और वो शायद ऐसे छोटे मैच में हमें 50 रन सिर्फ पीछे की बॉल पे ही खा लिए। ठीक हो गया, राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद की गुफ्तगु आपने सुनी, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, हमारी टीम ने जो लास्ट वनडे इंटरनेशनल खेला 11 नवंबर 2023 को, और ऑलमोस्ट एक साल के बाद हम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, आज 4 नवंबर 2024 है, और एक ऐसी टीम के खिलाफ हम वनडे खेल रहे थे, उनके बैकयार्ड में हम खेल रहे थे, हमारी टीम इस दौरान जो है वो या तो टेस्ट क्रिकेट खेलती रही या फिर एशियन क्रिकेट, एशियन पिचेस के ऊपर क्रिकेट खेलती रही, तो ठीक है हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो उनकी राय है वो अपनी जगह, लेकिन आप फुल मार्क्स देना चाहेंगे, वरना दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया था, जिस तरह अहमद कह रहे थे कि जीत जाते तो इससे बेहतर मौका होता नहीं, इससे अच्छा स्टार्ट होता नहीं, लेकिन आई थिंक कि इस टीम का जो नई टीम है, हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट अच्छा मिल गया हमको। बिल्कुल याया, एक साल पहले ईडन गार्डन्स कलकत्ता में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का मैच खेला था और वन साइडेड पाकिस्तान वो हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था, उसके बाद फिर आज खेला, लेकिन आज पाकिस्तान टीम एक बिल्कुल डिफरेंट रूप में नज़र आई। पाकिस्तान ने अच्छा खासा मुकाबला किया, 2 विकेट से जाके मैच हारे। देखिए, हार जीत तो खेल में होती है, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसे मैच को जो लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड जीत जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है 3 टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए हैं, अब हमारी बात की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने सर आपकी बात की वैल्यू जबी तो आपको बढ़ाया, मैंने एक बात जो नोट की कि जब इतना लो स्कोरिंग 204 रन्स का आपने टारगेट दिया, आपने 21 एक्स्ट्राज दिए जिसमें 17 वाइट बॉल थे, मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान के जो हार की वजह थी वो ये भी थी कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा वाइट बॉल दे दी, या तो पिच के अंदर जो बाउंस था उसको वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर जब पाकिस्तान की टीम फील्डिंग कर रही थी, मेरा ख्याल में काफ़ी अरसे बाद अभी हमने पिंडी टेस्ट में भी उसकी झलक देखी, लेकिन 7-8 प्लेयर्स जेल होकर कप्तान के पास आ रहे थे, उनको मशवरा दे रहे थे, तो ये चीज़ काफ़ी अरसे बाद नज़र आई कि एक लग रहा था कि टीम यूनाइटेड है, टीम चाहती है कि कुछ कर जाए, फिर रिजवान ने भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फील्डिंग भी आप देखें फास्ट बॉलर पे जो आखिरी ओवर्स में वो खड़ी कर रहे थे, लेकिन आज जब मैच शुरू हुआ आया तो शुरू के 12-14 ओवर्स कमेंट्री जो हमने सुनी, तो एज ए पाकिस्तानी मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो जो कमेंटेटर्स थे वो पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी बुराइयां थी उन्होंने सब उस 12-15 ओवर्स में कर दी। मेरे ख्याल में गैरी कस्टन का जो जाना था ये उसका मुझे एक वजह नज़र आ रही है, क्योंकि माइकल वॉन जिस तरह पाकिस्तान के सेलेक्टर्स की बात कर रहे थे, पिचेस की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराया है तो वो ज़ाहिर है माइकल वॉन को हज़म नहीं हो रहा, लेकिन पीसीबी को एटलीस्ट ब्रॉडकास्टर्स से हम रमीज़ राजा की बात हो रही थी कि रमीज़ राजा के बारे में ब्रॉडकास्टर से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज जितने 15 ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जहर उगला है वो मेरे ख्याल में किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। चले आप किसी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं, राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, ये जो बार रहे हैं माजिद भट्टी साहब के जी, आप जब मैच देखते हैं और मैच का नतीजा आ जाए फिर अपनी राय तबसर तजिए कर लें, लेकिन जब रनिंग कॉमेंट्री होती है चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हों उनको जनाब खेल का नक्शा पेश करना चाहिए, जो कुछ है वो बात करनी चाहिए, और गैरी कस्टन ने क्या कहा, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में हार गए, ये सारी बातें अपनी जगह, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब क्रिकेट तब्दील हो रही है, अभी आप भारत को देख लें अपने घर में वो 3-0 हार गए हैं, फिर जनूबी अफ्रीका की टीम UAE में जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान से हार गया है, तो क्रिकेट तब्दील हो रही है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती है कि आप मैच के दौरान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिस्कस करें?
देखिए दो तीन चीज़ें नोट की हैं। एक डेविड गार ने शुरू किया था टेस्ट मैच में यहाँ पे कि पाकिस्तान 7 स्पिनर से जा रहा है, उसको कैसे मालूम चला कि 7 स्पिनर से जा रहा है? सोहेल शकील को भी स्पिनर बना लिया, कामरान गुलाम को भी स्पिनर बना लिया, साहिम अयूब को भी स्पिनर बना लिया, साजिद को भी, तो हमारे लोग ही ने ब्रीफ किया ना। ऑस्ट्रेलिया में आज कमेंट्री अगर सुने तो वहाँ तो कोई मतलब के उनको कैसे हमारी इंटरनल मालूम चली कि 11 भाई हैं कामरान गुलाम के, इतनी सिस्टर है, यार नॉनसेंस है ये। तो हमारे लोग ही साथ में काम कर रहे होते हैं तो ये नामुनासिब है। वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के आप मेलबर्न का नक्शा बड़ा अच्छे अंदाज में खींच रहे हैं सर। सर आपने सवाल ही ऐसा फेंका है। यही रुक जाता हूँ। नहीं तो नहीं नहीं कैरी ऑन। अगर मैं जाऊंगा ना, हो सकता है मुझे भी गलती हो, मुझसे कोई पूछेगा यार पाकिस्तान के बारे में, कोशिश होनी चाहिए कि बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करें अपने गलतियां हैं। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है या जो बैठे में बातें अलग होती हैं, जब इंटरनेशनल कमेंट्री आप मैच के बारे में बात करें, मैच के बारे में बात करें, तो मैच के ऊपर बात नहीं हो रही है, तो खाने के ऊपर बात हो रही, तो मैं तो फिर म्यूट कर दूंगा ना आपको। सही। तो बेहतरीन तरीका यह है कि जब ऐसी बात हो तो पाकिस्तानी शायकीन से मेरी गुजारिश है कि म्यूट कर दें। ठीक हो गया।